आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है, आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। इतना याद रखें कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीजों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। अगर आप ये सब करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप में कोई पॉजिटिव चेंज आया या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ मैं स्टीफन आर कवी की बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ऐसी 7 आदतें बताऊंगा जिससे आप इन आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियां और परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा एक्सेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश ऐसा होता एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग। चैनल पर स्वागत है, मैं हूं आपका होस्ट द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ऐसी 7 आदतें बताऊंगा जिससे आप इन आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियां और परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा एक्सेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश ऐसा होता एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसे चीजों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं उन्हें हम दो क्षेत्र में बांट सकते हैं। नंबर 1, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का क्षेत्र, एंड नंबर 2, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीजों पर काम करते हैं जिसके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न पर करते हैं। देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम, इस बात की जानकारी होना कि आप अपनी एनर्जी किन चीजों में खर्च करते हैं प्रोएक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें।
आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए, क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है, ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीजों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर लेकर जाता है। हैबिट 2 आपके इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज का निर्माण दो बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होता है। अगर आप खुद विजुलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल मॉरल और एथिकल गाइडलाइन के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा है और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। हैबिट 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडिया को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी जिंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राथमिक चीजों को वरीयता दें। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते हैं। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए। प्राथमिक चीजें क्या है? प्राथमिक चीजें वह है जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। प्राथमिक कार्यों को तहजीब देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट किए गए प्रायोरिटी पर लगा रहे हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरे से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की सफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है, मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेता है तो मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक न पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि इसमें कितना मजा है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हो। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लवरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। हैबिट नंबर 5, पहले दूसरे को समझो फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे बड़ी जरूरी स्किल है। आपने कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगा दिया, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली जो आपको दूसरे को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं पर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर देते हैं। चूंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरे को सुनते हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही उनको जवाब देते हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अपने एक्सपीरियंस के
हिसाब से किसी को रिलेट करने में क्या बुराई है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसा कि जब कोई आपसे अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बिठाना। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है, यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है, पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। ये एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता। मतभेद को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। कई लोग एकरूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेद को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के चार क्षेत्र, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण कर सके। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में सुधार करेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेती हैं। बिना ऐसे कि आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती है, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है, और ये एक अच्छी तस्वीर नहीं है। बस इतना याद रखिए कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देना है, अवसर देना है खुद को रिचार्ज करने का। बस जरूरत है डिजायर, नॉलेज और स्किल की। दोस्तों, ब्रीफली सारे हैबिट्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी प्राथमिक चीजों को वरीयता दें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचें। हैबिट नंबर 5, पहले दूसरे को समझो फिर अपनी बात समझाओ। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बिठाना। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। दोस्तों, ये थी 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।